देसी चिकन करी आज हम बनाने वाले हैं, जो कि बारीपदे का बहुत ही फेमस होता है। और इसको बनाना जितना इजी तरीका आपको बताऊंगी, स्किप मत करिए वीडियो को, एंड तक बने रहिए। और इसको बनाने के लिए पहले हमने मस्टर्ड ऑयल, बहुत ज़रूरी है, तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। फिर उसके बाद हमको बहुत सारा प्याज काट लेना है, प्याज को लाल थोड़ा होने देंगे। फिर हमको अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें डालना है। फिर 1 टेबल स्पून नमक डालना है हमको, 1 टेबल स्पून हल्दी डालना है। फिर हमको जो रेड चिली पाउडर है उसको 1 टेबल स्पून डालना है। देन हमको जो है अच्छे से इसको, जो मिक्सचर है उसको मिक्स कर देना है सबको एक साथ, और अच्छे से इसको भुनना है मसाले में, तेल में। और फिर हमको चिकन पाउडर डालना है। यहाँ मैंने MDH का चिकन पाउडर लिया है, चिकन करी पाउडर, और इसको अच्छे से भून देना है। देख सकते हैं जैसे कि ऑयल छोड़ दिया है मसाला हमारा। फिर हमने देसी चिकन जो है उसको अच्छे से धो के साफ़ करके रखा है, उसको डाल देना है। देन भुने हुए मसाले में इसको अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत 15 से 20 मिनट आपको स्लो फ्लेम में इसको अच्छे से पकाना है, ताकि ये जो इसका जितना फ्लेवर है सब अंदर आ जाए, समा जाए। और यहाँ हमने मैंने ब्लैक पेपर का जो पाउडर है उसको डाल दिया है, काला मिर्च जो उसको बोलते हैं, और उसको डाल के फिर हमको 5 से 10 मिनट भुनना है अच्छे से। यहाँ भुन जाने के बाद यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। फिर आप उसमें 2 इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा इसका स्मेल एनहेंस हो जाता है। और देख सकते हैं कितना रसीला देसी चिकन हमारा बन गया है, और बहुत ही यमी लग रहा है। मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा है। इसको आप जो है नॉर्मल राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगेगा। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसको आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी दिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आ जाता है इसमें करी में। देख सकते हैं कितना रेड कलर आया है इसका करी का, उफ बोल ये मत, इतना टेस्टी लगता है। और क्या लास्ट में क्या करना है हमको, थोड़ा से कटा हुआ प्याज रखना है, कटा हुआ प्याज हमको ऊपर से थोड़ा डाल देना है, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस कर देगा। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलिए मत कैसा लगा आपको ये, बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है। और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देना है, और देखिए जैसे कि इसका तेल छोड़ दिया है। और हमको थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है, और ग्रेवी के लिए, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए था। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद नहीं है तो कम पानी डाल सकते हैं। और इसको हम स्टीम कुकर में दिला देंगे 2 स्टीम, और देखिए ये तैयार है, रेड कलर का रसीला देसी चिकन, जो कि बारीपदे का बहुत ही फेमस रेसिपी है।